हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टूडियो में आपसे बात करने वाले हैं बोट के अपकमिंग और बिल्कुल ही लेटेस्ट उसके गेमिंग हेडफोन्स के बारे में, जो अमेज़न पे लिस्ट हो चुका है। और इस सीरीज़ का नाम उन्होंने दिया है इमॉर्टल सीरीज। बिल्कुल इसके स्पेसिफिकेशंस यार इमॉर्टल है। उन्होंने इस सीरीज़ के नाम के जैसा हैशटैग भी बिल्कुल सही लगाया है, लेवल अप विथ बोट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अमेज़न पे अब एंट्री लेने का वक्त हो चुका है और स्पेसिफिकेशन बिल्कुल ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस बार की वीडियो ज़रा हट गया है तो आपको मज़ा भी आने वाला है, आई थिंक इन्जॉय भी करने वाले हैं। तो चलिए अब अमेज़न की तरफ बढ़ते हैं और इन बोट के न्यू अपकमिंग हेडफोन्स की स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। देख सकते हो हम आ चुके हैं अमेज़न पे हमारे लेवल अप विथ बोल्ट के पास और हमारे इमॉर्टल सीरीज के पास। तो चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसके इमॉर्टल स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानते हैं। तो इमॉर्टल सीरीज में हमें दो डिफरेंट मॉडल्स मिलते हैं हेडफोन्स के। फर्स्ट वन IM200, देन सेकेंड वन IM1000D। ये मेरा फेवरेट है, फेवरेट सेकेंड वन अभी लॉन्च नहीं हुआ, बट IM1000D मेरा फेवरेट है। इमॉर्टल 1000D के सबसे पहले स्पेसिफिकेशन की हम बात करते हैं। ड्यूअल चैनल हमें इस हेडफोन में मिलता है। इसका मतलब होता है कि अगर आप कोई भी गेम प्ले करते हो, आपको अगर राइट साइड से भी साउंड आ रहा है और लेफ्ट साइड से, तो आपको दोनों साउंड एक टाइम पे आप सुन सकते हो। ड्यूअल चैनल हमारे ये काम करता है। इस वजह से गेम हेडफोन्स में आपको मैक्सिमम टाइम ड्यूअल चैनल देखने को मिलता है। और हमें इसमें डॉल्बर एटमॉस साउंड तो मिल ही रहा है, तो आप समझ ही सकते हो कि साउंड की क्वालिटी और गेमिंग परफॉर्मेंस कितना बेटर होने वाला है आपका। सेकेंड स्पेसिफिकेशन यार हमें इसमें मिलता है 7.1 चैनल सराउंड साउंड, जो ड्यूअल चैनल हेडफोन मतलब हमारे बोट IM1000D को और बेटर करता है। 7.1 चैनल लिटरली भाई मैं बोल रहा हूँ, ये हमें होम थिएटर के कॉन्फ़िगरेशन या फिर गेमिंग हेडफोन्स में देखने को हमें मिलता है। 7.1 चैनल जो होते हैं वो आजकल के गेमिंग हेडफोन्स का 5.1 या फिर 7.1 चैनल ही यूज होते हैं। इसका बेनिफिट हमें ये है कि हम इसका फुल ऑडियो का मज़ा ले सकते हैं। मतलब अगर आप गेम प्ले करते हो तो आपके गेम प्ले के टाइम पे जो साउंड होता है वो रिक्रिएट्स होते हैं डिफरेंट एंगल्स और पोजीशन से। सोच सकते हैं कि साउंड जो आ रहा है वो किस साइड से आ रहा है, कितने दूर से आ रहा है, वो आप बिल्कुल ही थिंक कर सकते हो। तो 7.1 चैनल ये और बेटर बनाता है हमारे IM1000D को। हमें इस हेडफोन्स में 50 ड्राइवर, आप समझ रहे हो गेमिंग फोन 50 ड्राइवर मिल रहे हैं हेडफोन्स में, बोर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। सोचो फोर्थ स्पेसिफिकेशन से ये हमारा IM1000D का, नॉट IM200D का। ओके, इसमें हमें ब्रीथिंग मतलब इन सिंपल वर्ड RGB LED लाइट मिल रही है। आप इसमें कभी रेड यूज कर सकते हो, ग्रीन, ब्लू, जो कलर लगे आप यूज कर सकते हो, वो आपका ग्लो करेगा आपके हेडफोन पे। यार क्या फील आएगा आप सोच ही सकते हो। इजी ऑडियो एंड माइक ड्राइवर कस्टमाइजेशन, डिजाइन के बारे में बात ही नहीं किया यार। अब इसके लुक इसके देख सकते हो, फील कर सकते हो। यहाँ पे हमें बोट की ब्रांडिंग मिलती है, सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस इमेज में यहाँ पे बोट का लोगो है, यहीं पे आप रेड, ब्लू या ग्रीन। और ये हेडफोन से हमें लाइट वेट मिलता है, मतलब हमें इससे ऐसा ना हो कि हमने लगा लिया तो हमें बल्की लग रहा है। भाई बल्की आपको फील नहीं होगा, लाइट वेट फील होगा। अब आप बोलोगे यूज तो किया नहीं है, अभी लॉन्च हुआ नहीं है। बोट के हेडफोन्स आप यूज कर ही चुके हो तो आपको पता होता है कि उनके फील्स, डिजाइन ऑलवेज बेस्ट और परफॉर्मिंग लाइक अ बीस्ट। और इसमें जो हमें माइक मिलता है हेडफोन्स में 1000D में,
इसमें आप जो माइक है आप उसे डिटैच कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट, आप उसे डिटैच करके रख सकते हो जब आप गेम प्ले नहीं कर रहे हो तो। जब आप गेम प्ले करोगे तब आप यूज कर लेना है। उसके बाद अगर आप ऐसे ऑडियो या मूवी देखने के लिए यूज करोगे तो आप समझ सकते हो कितना आपको बेहतरीन फील होगा, मजे ही मजे हैं भाई। तो ये थे टॉप फ्लो, मेरा फेवरेट वन IM1000D के स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन बहुत ही लंबे हैं और बिल्कुल ही मज़ेदार हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे उससे पहले, आप ये वीडियो तो पसंद आ ही रहा है तो यार इस वीडियो को लाइक भी कर दें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यार ये डायलॉग वैसे तो हो चुका है, तो फिर से हम रिटर्न आते हैं बोर्ड के स्पेसिफिकेशन की ओर। स्टार्ट ही करते हैं यार डिजाइन से और लुक से। तो आप देख सकते हो हमारे 1000D का लुक और 200 बहुत ही अंतर है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ब्लू कलर्स के ये मेटल्स के होंगे आई थिंक, और 1000D में आप देख ही रहते हैं उसका लुक अलग है। यहाँ पे बोर्ड की ब्रांडिंग भी नहीं है, यहाँ का लुक और डिज़ाइन भी अंतर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप LED लाइट और RGB LED लाइट आपको मिल रहा है। आप ऐसा ना सोचना कि आपको इसमें प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, इसमें भी आपको 7.1 चैनल साउंड ऑडियो मिल रहा है, बट इसमें वर्चुअल साउंड ऑडियो है, उसमें डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम था, तो वो थोड़ा अप है, थोड़ा सा लिटरली वो बेटर है, और ये थोड़ा सा हाई और डाउन बोल सकते हो, इतना भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इसमें भी आपको सेम 50 mm ड्राइवर देखने को मिल रहा है, तो अलग से माइक देखने को मिल रहा है। 200D में आप माइक को डिटैच नहीं कर सकते हो, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें जो है ना RGB लाइट आराम से देखने को मिल रहा है, तो RGB लाइट्स के लिए भी इसमें हमें कोई टेंशन या फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर आप लॉन्ग गेम प्ले करते हो तो जो इसके मप्स हैं, मतलब ये ब्लैक एलिमेंटर, ये आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ज़्यादा फेस कर रहे हैं या आपके ईयर्स पेन करने लगे लॉन्ग गेम प्ले करने से, ये आपको स्पॉट लगेंगे, ज़्यादा फेस भी नहीं करेंगे और आपको ऑडियो क्वालिटी भी बेटर मिलेगी। तो अब हमारा यहाँ पे इन मॉडल सीरीज के दोनों मॉडल के स्पेसिफिकेशन ख़त्म होते हैं। तो यही थे हमारे मॉडल सीरीज के स्पेसिफिकेशन। तो आपको स्पेसिफिकेशन कैसे लगते हैं और एसोसिएशन कैसे लगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपका फेवरेट स्पेसिफिकेशन दोनों मॉडल्स में क्या है वो भी कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं। तो जा रहे हो ना, जाओ यार, जिससे जाते जाते ये तो पूछ लो कि हमें इमॉर्टल सीरीज के IM1000D और 200D कौन से कलर में मिलने वाले हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमें IM1000D दो कलर्स में मिलेंगे, एक ब्लैक और एक आप फ्रंट में देख सकते हो व्हाइट, IM200D के साइड पे। तो हमें उसमें तीन कलर देखने को मिलेंगे, मतलब फर्स्ट वन ब्लैक, सेकंड वन ब्लू एंड द थर्ड वन ऑरेंज। तो ये आपको तीन कलर IM200D में देखने को मिलेंगे। तो जब लॉन्च हो आप अपने फेवरेट कलर चूज करना। बोट के गेमिंग हेडफोन्स के दुनिया से और अमेजोन की दुनिया से वापस आ चुके हैं। तो आपने बोट के अपकमिंग हेडफोन्स की सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लिया है, आपने उसे देख भी लिया है और आपको पसंद भी आया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यार कि आपको कितना सोच सकते हो, मतलब आपको कितना लगता है कि बोट के अपकमिंग सीरीज जो है गेमिंग हेडफोन्स की, उसकी प्राइस कितना हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ताकि मैं भी सोच सकूं और आप भी बता सको कि इसकी प्राइस कितनी हो सकती है। तो यार जाते जाते आपको फिर से मैं रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि मुझे मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है यार। आप व्यूज तो देते हो, लाइक तो देते हो, बट यार सपोर्ट भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो यार चैनल को।